ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। चाइस में हमने विलेन का हीरोइक अंदाज देखा है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर जॉन अब्राहम। फ्रेंचाइज ने हमेशा ही एक अलग लेवल के किरदार को जेनरेट करने की कोशिश की है। वही बात धूम 4 की करें तो अब इससे मिस्टर खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार का भी नाम जुड़ गया है। अब देखना यह है कि आखिर किस तरह के किरदार को अक्षय इस बार निभाएंगे। क्या वो जॉन की तरह बाइक गैंग के लीडर होंगे या फिर ऋतिक की तरह ज्वेलरी हाइस्ट को अंजाम देंगे। असल में अक्षय इस बार दुनिया के फेमस रॉबर का किरदार निभा सकते हैं, तो चेक नहीं आया। 1922 में डिलिंगर को गाड़ी के चोरी के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद डिलिंगर और उसके पिता के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो काफी खराब हो गई। 1923 में डिलिंगर की परेशानियों ने उसे यूएसए के नेवी को ज्वाइन करने के लिए, डिलिंगर एड की काबिलियत को जानता था जिस वजह से दोनों ने मिलकर अपनी पहली चोरी एक ग्रोसरी स्टोर में की और वहां से करीब $50 हासिल किए। हालांकि जब वो क्राइम सीन से जा रहे थे तो उनपे एक मिनिस्टर की नजर पड़ गई और उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में खबर कर दी। इस घटना के दौरान डिलिंगर ने एक आदमी के सिर पे कपड़े से लिपटे मशीन बोल्ट से वार कर दिया। इसके अलावा डिलिंगर के पास एक गन भी मौजूद थी, लेकिन डिलिंगर ने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। घटना के अगले ही दिन डिलिंगर और एड को अरेस्ट कर लिया गया, पर पहली बार एड और डिलिंगर को इस मामले में दोषी नहीं पाया गया। हालांकि डिलिंगर के पिता, जो उस वक्त मूर्सविले के एक लोकल चर्च के डेकन थे, उन्होंने इस मामले में मॉर्गन काउंटी के प्रोसिक्यूटर से बात की और अपने बेटे डिलिंगर को कन्विंस किया ताकि वो अपने जुर्म को कबूल ले, जिसके बाद डिलिंगर को कोर्ट की तरफ से बिना डिफेंस अटॉर्नी दी उसे मामले को आरोपी अनाउंस कर दिया गया। डिलिंगर को असॉल्ट, चोरी का इंटेंशन रखने और जुर्म करने की साजिश रचने से तहत सजा सुनाई गई। डिलिंगर को लगा कि क्योंकि उसके पिता ने पहले ही प्रोसिक्यूटर से बात कर ली इसीलिए उसे कम सजा दी जाएगी, लेकिन डिलिंगर इस मामले में गलत था क्योंकि उसे असलियत में 10 से 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अपने बेटे के अरेस्ट होने के बाद डिलिंगर के पिता ने रिपोर्टर से कहा कि उन्हें अपने एडवाइस पे पछतावा है और वो सजा से काफी हैरान है। डिलिंगर के पिता ने जज से बात कर अपने बेटे की सजा को कम करने की इच्छा रखी, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। एड को 2 से 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद एड की 1937 में मौत हो गई। डिलिंगर 1924 से 1933 तक जेल में रहा। इस दौरान डिलिंगर को ये कहते हुए सुना गया कि जब मैं यहां से बाहर आऊंगा तो ऐसा मतलबी बदमाश बनकर निकलूंगा जैसा कि तुम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। जेल की लंबी सजा की वजह से डिलिंगर सोसाइटी के लोगों के लिए क्रूअल बन गया। इसी दौरान डिलिंगर की दोस्ती दूसरे क्रिमिनल से हो गई। इनमें से कई तो बड़े बैंक रॉबर्स भी थे जिन लोगों ने मिलकर डिलिंगर को एक काबिल क्रिमिनल बनने का तरीका बताया। डिलिंगर को अब होमर, चार्ल्स, हैरी, रसल जैसे बड़े बैंक रॉबर्स का साथ मिला, जिन्होंने मिलकर एक बड़ी हाइस्ट का प्लान बनाया जिसे वो जेल से छूटने के तुरंत बाद अंजाम देने वाले थे। इसी बीच डिलिंगर आगे जाकर उसने क्या किया और किस तरह से क्राइम को अंजाम दिया, ये हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी ही कहानी तो हम धूम 4 में देख सकते हैं, तो आप हमें बताइए कि आप धूम 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।